हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टडी थंडर चैनल में। आज हम जो हरियाणा एसआई का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर आगामी जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? जो प्रमुख जिले दिए गए हैं, जैसे चरखी दादरी है, इसकी किसी भी राज्य से जो जो इसकी सीमाएं हैं वो नहीं लगती हैं। महेंद्रगढ़ है, इसकी राजस्थान से लगती है। और जो रेवाड़ी है, इसकी भी राजस्थान से लगती है। और जो हमारा यमुनानगर है, इसकी दो से लगती है, एक उत्तर प्रदेश से, एक उत्तर प्रदेश से और दूसरी हिमाचल से। हिमाचल से लगती है। ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है? इनमें से अलाइनमेंट भी है, इंडेंटेशन भी है, लाइन स्पेसिंग भी है, अंडरलाइन नहीं है। सो ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी में किसके तहत जालसाजी को परिभाषित किया गया है? 463 में जालसाजी को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह मैं बताने के संश्लेषण में क्यूलीन बनाने हेतु प्राथमिक अमीनो और एल्डिहाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। मतलब कौन सी अभिक्रिया है? ये डायवनर मिलर है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले का नाम किसके नाम स्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा, जिसकी नींव द्वारा 14वीं शताब्दी में उसके बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी? इसका सभी को आंसर पता है, फिरोज शाह तुगलक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? इनमें से जो दिए गए हैं, इनमें से शिवालिक की पहाड़ियाँ भी हरियाणा में है, बांगर भूभाग भी है, यमुना घग्गर मैदान भी है, चंबल की घाटी नहीं है। चंबल की घाटी आप सभी को बताया, ये मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीरिया की राजधानी, सीरिया की राजधानी का आपको पता ही है, दमकश है। दमकश सीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है, ये समताप मंडल होता है। ये एक पैट क्वेश्चन है जो कि हरियाणा पुलिस के पिछले जो एग्ज़ाम होते 2016 के, उसमें भी देखने को मिला था। तो इसको, वायुमंडल के टॉपिक को अच्छे से स्टडी करें। पुस्तक आई डू वाइट आई डू, इसके लेखक थे रघुराम राजन, रघुराम राजन थे। तो जो आगामी न्यू पुस्तक हैं उनको भी, उनकी भी स्टडी करें। तो प्रकार का लॉजिकल मान को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयोग है, ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है इसको हम इंग्लिश में पढ़े तो बेटर होता है। टाइप इज़ द बेस्ट सुइटेबल इन लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू जो होती है वो बूल में रिप्रेजेंट होती है, कैर में भी स्ट्रिंग आता है, इन में भी कोई वैल्यू डिफाइन होती है, डबल में भी कोई वैल्यू ही डिफाइन होती है। और जो इसका राइट आंसर होगा बूल होगा। यदि ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको, ये वैसे तो मैथ का क्वेश्चन है, पर मैं इसमें आपको एक ट्रिक है, ट्रिक क्या, एक कॉमन सा फैक्ट है इसमें, जो भी हो जैसे लिखा हो, यदि ए बी सी डी ई मध्य ए और मानक विचलन एस वाला प्रयोगक्षण है, तो प्रयोगक्षण K(x1) K(x2) K(x3) K(x4) K(x5) का मानक विचलन क्या होगा? मानक विचलन जो एस है, इसमें कोई फैक्ट नहीं होता, इसमें जो आंसर रहेगा KS ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोफिशेंट? जो सम ऑफ द कोफिशेंट होता है, जिसमें तीन, जो इसमें लिखा हुआ है 3 + 2x, तो सिंपल ट्रिक क्या होगी इसमें? सिंपल ट्रिक इसमें होगी, 3 + 2 को जोड़ लेंगे हम, और जो इसका इक्वल आएगा, जो भी आएगा 5, वो इसका आंसर होगा। तो इसमें फर्स्ट ए आंसर हो जाएगा। ये मैथ के इसलिए क्या, क्योंकि ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है और कई बार यही भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि करना क्या होता है। अच्छा, तो नेक्स्ट है, स्थापना बाबर द्वारा 526 में इमराई लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई, आप सभी को पता है, काबुली बाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक ट्रिक बेस है, मैथ का क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसे मिलता है तो उसका जो आंसर होगा वो 3 ही होगा, या जो भी टर्म दी हुई होगी वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में दो राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो दूसरा कौन सा है? आप सभी को पता है, दूसरा कालेसर। जो कालेसर है यमुनानगर में है, जो सुल्तान है वो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कुंजी एक टॉगल कुंजी के भांति संतुलित मोड में के परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका आंसर F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है? ये अनुच्छेद रहेगा 114, बिकॉज जो दो अदर दिए गए, जैसे 214, 226, ये उच्च न्यायालय से संबंधित है, 324 को
में चुनाव आयोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 141। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों में नहीं है? साहिबी का भी है, साहिबी का भी, दोहन का भी, बेडच का भी, चेनाब का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पेक्टन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? जो कॉम्पेक्टन शिफ्ट है वो प्रकीर्णन का कोण, कोण पर, एंगल ऑफ स्कैटरिंग पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1979 को करनाल जिले से निकल गया, 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल में मिला दिया गया, 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बन गया, यह कौन सा जिला है? तो ऑब्वियस सी बात है, करनाल ये जिला होगा पानीपत, या आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। रानीखेत एक है, जो रानीखेत है एक विषाणु रोग है, ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? हम सभी को पता है जो प्राथमिक पोषक तत्व होता है वो पोटासियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है और ये ऑस्ट्रेलिया में है। एच सी वी का मतलब, HCV का मतलब होता हैवी कमर्शियल व्हीकल, हैवी कमर्शियल व्हीकल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया। आप सभी को पता है जब हरियाणा का हुआ था, हरियाणा बना था, तो उस समय विवाद ही भाषा को लेकर था। तो उस समय जो बंसीलाल थे, बंसीलाल सरकार थी, उन्होंने जो तमिल थी उसको दूसरी भाषा घोषित किया था। तो ये बहुत का क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन था पर गलत हुआ है, तो इसे थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में चंडीगढ़ में दो चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान नगर घोषित, युक्त रहित नगर घोषित किया गया, इसका आंसर है 2007। आपको चंडीगढ़ के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी और ये पॉलिथीन मुक्त कब हुआ था, पॉलिथीन मुक्त ये 2 अक्टूबर 2008 में हुआ था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कौन सा स्मारक है, हस्त खुला स्मारक है जो कि ली कार्बुजिए ने बनाया था, वहाँ का चंडीगढ़ का फेमस है। जिस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रह गया है, डिप्नेसिस या संजातीय गुण उस गुणसूत्रों का व्युग्मन चरण में आरंभ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डिप्लोटीन, डिप्लोटीन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? तो हम सभी को पता है वो स्थान तरौरी था, जो करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन टी द स्टेटमेंट टी एंड टी, इस जो स्टेटमेंट में इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो ये सिंबल है इसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो तो ये एंटर करता है, मतलब आगे कंडीशन को फॉलो करता है, तो इसीलिए इसमें ट्रू एंड ट्रू दिया हुआ है, तो ये इस एक कंडीशन के ट्रू होने की वजह से ये ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है, राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है हम सभी को पता है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें से जो अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना हर राज्य में, तो ये सही है, बाकी सब गलत हैं। जैसे 76 में है हमारा महालेखा भी, न्यायवादी या महान्यायवादी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमो के पुवन का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो हम सभी को पता है किसके साथ जोड़ता है, आम से अंबाला। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित आयोग बनाया। हम सभी को पता है ये JCS आयोग था, इसमें 3 सदस्य थे, और ये डेट याद रख लेना कब गठित हुआ था, क्योंकि ये मेन है 23 अप्रैल 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण भट्ट ने के हर्षरित के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो 5वें अध्याय में हर्षवर्धन के पूर्वजों से संबंधित, क्योंकि इसमें इन्होंने जीवनी का उल्लेख किया था कि कैसे एक राजा बने 606 ईस्वी में, इनका जन्म 580 में, जो भी इनकी घटनाएं थी उनके बारे में वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? हम सभी को बताता है प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। कब स्थापना हुई थी? 2015 में हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
मुकदमाए शेरो शायरी को उर्दू काव्य के समक्ष पहला घोषणा पत्र माना गया? ये भी सिंपल क्वेश्चन है मैथ का, आपको बस थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जैसे साइन साइन 130 है, तो इसको हम साइन जो है इसको हम कर लेंगे, मतलब इसका आंसर जो रहेगा वो एक रहेगा, सॉल्यूशन भी इजी है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए जीके का देखते हैं। 18वें एशियाई खेल 2018 में हरियाणा ने 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों के चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये खेल कहाँ हुए? हम सभी को बताइए, खेल इंडोनेशिया में हुए थे। दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, दूध के निकलने के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वो ऑक्सीटोसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा वर्तमान में हरियाणा राज्य में राजमार्गों की संख्या कितनी है? जो हाईवे हैं इस टाइम हरियाणा में, जो प्रेजेंट टाइम में 2020 तक 32 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HTTP वेब अनुप्रयोगों को जोड़ने के लिए संबंधित लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, इस सभी का हमें पता कंप्यूटर का है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और सांस्कृतिक विरासत न्यास ने विश्व के पहले विभाजन संग्रहालय की स्थापना टाउन हॉल अमृतसर पंजाब भारत में की, इस न्यास के अध्यक्ष कौन थे? किशोर देसाई इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहाँ स्थापित की जाएगी? हम सभी को पता है, सोनीपत में स्थापित की गई है, हरियाणा में। अधिकांश प्रजनन कार्यों में मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से किन विशेषताओं की किस्में विकसित करना है? उच्च उपज योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मोंटेस्क्यू ने लिखा, निरंतर अनुभव हमें दर्शाते हैं कि शक्ति संपन्न प्रत्येक व्यक्ति इसका दुरुपयोग करता है और तब तक अपना प्राधिकार चलाता है जब तक उसे सीमित ना किया जाए। यह है पुस्तक से, किस पुस्तक से लिया गया? ये जो पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एल्गोरिथम कंप्रेस वीडियो डाटा टू रिड्यूस नंबर ऑफ बाइट दैट कैन बी इजिली ट्रांसमिटेड एंड देन डीकम्पोज। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो अगर पता भी ना हो तो मैं आपको बता दूं कि जो इसमें है लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और जो इथरनेट है ये भी एक नेट का ही प्रकार है, वोल्ट है ये भी, और जो MPG है ये वीडियो से रिलेटेड है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय रक्त वर्ग AB का जीनोटाइप क्या होता है? सबको पता है AB का जीनोटाइप क्या होगा, ये A होगा इसका राइट आंसर, IA IB। स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल नगरों की संख्या 199 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है? ये शेख मोहम्मद तुरुक थे, इन्हें हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सरकार को सूचित किया कि राज्य में जांच और ऑपरेशन करने के लिए CBI को दी गई आम सहमति वापस ली? ये थे आंध्र प्रदेश, इन्होंने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2018 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी लोक कथाओं के अनुसार गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना गया है? तो ये सरप है, सभी को पता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल फोन में GPS किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये GPS होता है डाटा संप्रेषण के लिए प्रयुक्त होता है, डाटा कम्युनिकेशन के लिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है, इसका सही जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो असत्य है ये है, 3 हाइड्रोजन बॉन्डों द्वारा थायमीन के साथ ट्रेनरी संगठित होना और 2 हाइड्रोजन बांधों के साथ साइटोसिन के साथ गवनीय संगठित हो सकता है बंधों के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक मानकीकृत संस्था नहीं है? ISO भी है, IEEE भी है, ANSI भी है, पर ये ISI नहीं है, तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में वैध गर्भपात पर निम्नलिखित में से किस देश में जनमत संग्रह हुआ? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस समय आयरलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारंपरिक पंजाबी मौखिक कथा वर्णन जो दक्षिण एशिया में अरब प्रायद्वीप के प्रवासियों द्वारा आई, सबको बताया पंजाबी है तो एक किस्सा ही होगा, पंजाबियों का किस्सा, तो इसका D आंसर हो जाएगा। दक्षिण एशिया में लहसुन की भली
का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुआ जो परिकर्षण काल का था, तो ये हमें प्राप्त हुआ था बालू से, ये भी टाइप है। ऑनलाइन लेन देन के संदर्भ में भीम का मतलब क्या है, हम सभी को पता है भारतीय इंटरफेस फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े, कहाँ से कहाँ लड़े थे, सबको पता है हल्दीघाटी का युद्ध है 1577 में हुआ था, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता, तो आप सभी को पता है शक्तियों का विभाजन। जो ये क्वेश्चन है इसमें सिंपल है, आपको डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर, तो आप इसमें ना ऐसे कर सकते हैं जो हर एक जो जितने भी नंबर हैं जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे 0, जहाँ 1 पे होगा वहाँ उनको जोड़ देंगे ऐसे करके, तो इसका 165 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति चालकता हेतु वांछित अत्यंत निम्न ताप प्राप्त करने के लिए कार्योस्कोपी में कौन सी गैस होती है, तो ये गैस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, हीलियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला 3D तारामंडल निम्नलिखित में से किस नगर में उद्घाटित किया गया, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हमारा स्वामी विवेकानंद तारामंडल मंगलोर था, मंगलोर। विश्व विरासत स्थलों में कालका शिमला रेलवे वर्ष किस, ये हमारे जो हुआ था ये 1898 में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी 487 के प्रथम बौद्ध समिति राजगृह में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की, जो 487 की हुई थी इसकी हमें सभी पता है महाकश्यप ने की थी, ये दूसरे नंबर के हैं, ये तीसरे नंबर के हैं जो पहले में हैं, तो इनको अच्छे से तरह से पढ़ लें कहाँ कहाँ बौद्ध समिति हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सभी हिंदी के क्वेश्चन हैं बाकी, तो ये GK पार्ट था जो कि हमने कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।